बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत यूज़फुल शीट लेकर आया हूँ कन्वर्सन फैक्टर की, जो कि एरिया, लेंथ, वॉल्यूम और वेट के ऊपर है, जो कि हमारे इंजीनियरिंग के फील्ड में मैक्सिमम इसकी ज़रूरत पड़ती है, हर बंदे को ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिसके अंदर हमारे पास इधर लेंथ देख रहे हैं कि इसमें फिट्स मीटर से लेके और नीचे तक किलोमीटर फिट और मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक की पूरी डिटेल इसके अंदर दी गई है। आपने जस्ट इधर से इसके अंदर वैल्यू देनी है और आगे आपके पास उसकी लेंथ वगैरह आ जाएगी। इसी तरीके से ये सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास एरिया कैलकुलेशन है, स्क्वायर फीट तो ले से लेके स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंच और इसी तरीके से स्क्वायर इंचेस हैं और नीचे पूरी इसकी डिटेल है। हेक्टर है आपके पास, हेक्टर से स्क्वायर मीटर, एकड़ से स्क्वायर मीटर और एकड़ से स्क्वायर फीट वगैरह जो भी डिटेल आपको चाहिए होगी आपने इधर से जस्ट उसके अंदर वैल्यू इनपुट करनी है। इसी तरीके से वॉल्यूम की शीट है, क्यूबिक फीट से लेकर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट और इसी तरीके से नीचे हम आप आते हैं तो क्यूबिक फुट यार्ड से लेके क्यूबिक फुट सीएफटी तक और सीएफटी से लेके उसके यार्ड और पूरी गैलन्स वगैरह आपके लीटर्स वगैरह की पूरी डिटेल इसके अंदर है। इसी तरीके से वेट है आपका एलबीज और केजी के दरमियान में, आप इसके अंदर से जो सी वैल्यू आप इनपुट करेंगे सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। सपोज सबसे पहले हम इनपुट कर देते हैं फिट टू मीटर है, तो अगर हमारे पास एक फिट है तो उसके अंदर 3.05 मीटर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर दो फिट आएगी तो उधर 0.62 आ जाएगा। आपने जो से भी आपके पास जितने भी फीट्स हैं 10.5 फीट्स हैं आपके पास, तो उसकी भी इधर मीटर्स के अंदर डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरीके से आप मीटर्स के अंदर देते हैं 5 मीटर है तो आपके सामने इधर उसकी फीट्स के अंदर कैलकुलेशन आ जाएगी। इसी तरह फिट टू सेंटीमीटर है, इसी तरह फिट टू मिलीमीटर्स हैं, दोनों ऑप्शन है। इंच टू सेंटीमीटर है तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर इंच है, मैं 6 इंच आपके पास इनपुट करता हूँ, ये सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएंगे 15.24 और इसी तरीके से मीटर्स हैं, मैं इधर से मीटर्स करता हूँ 5, तो ये हमारे पास मिलीमीटर्स उसके सामने इधर आ जाएंगे। इंच टू मिलीमीटर है, इंच टू फिट है, इसी तरीके से सेक्टर टू मिलीमीटर्स है, माइल टू किलोमीटर है, केएम टू माइल है। ये इसके अंदर से आप जो जो सी वैल्यू आपको चाहिए होगी, जिस जिसको भी आप चेक करना चाहते हैं, वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ये पूरे कंप्लीट एक फाइल बनी हुई है, बहुत ही यूज़फुल फाइल है। आप इसको पीडीएफ की मैं इसमें रख दूंगा, उसके अंदर आप इसको अपने मोबाइल के अंदर सेव करके भी रख सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर फीट एरिया, स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर फीट, अगर आपके पास 10 स्क्वायर फीट एरिया है तो वो आप उसके मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं स्क्वायर मीटर के अंदर, तो सामने इसका स्क्वायर मीटर आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर मीटर आपके पास है 10 स्क्वायर मीटर है तो उसके स्क्वायर फीट के अंदर उसकी कैलकुलेशन इधर आपके सामने इधर आ जाएगी। तो इसी तरह आप पास इधर स्क्वायर इंच टू स्क्वायर क्यूबिक मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर टू स्क्वायर इंचेज हैं हमारे पास, इसकी कैलकुलेशन है। इसी तरह स्क्वायर फीट टू स्क्वायर यार्ड है हमारे पास, स्क्वायर यार्ड टू स्क्वायर फीट है। स्क्वायर फीट अगर आपके पास 10 स्क्वायर फीट हैं तो उसके अंदर 1.1 यार्ड आ जाएंगे और इसी तरीके से नीचे आप आ जाते हैं ये नीचे एकड़ है हमारे पास के, जितने आपके पास एकड़ है हमारे पास, अगर सपोज 2 एकड़ जगह है तो उसके अंदर आपने स्क्वायर मीटर देखना है तो स्क्वायर मीटर आपके पास आ जाएगा और नीचे अगर आपने इसी तरीके से उसके एकड़ के अंदर आपने स्क्वायर फीट देखना है तो स्क्वायर फीट की भी पूरी कैलकुलेशन इधर आपके सामने आ जाएगी। तो एक बहुत यूज़फुल टेबल है, पूरी कैलकुलेशन इसके अंदर है, जस्ट आपने इधर से वाइट सेल के अंदर इसकी वैल्यू इनपुट करनी है तो साथ आपके पास इधर उसकी डायमेंशन वगैरह सारी आ जाएगी। फार्मूला इसके ऊपर लगे हुए हैं शीट के ऊपर, आप इसके कन्वर्शन जो भी आप इसका फार्मूला वगैरह भी चेक करना चाहते हैं वो भी मालूमात आपको इधर से बहुत आसानी के साथ इस शीट के ऊपर से मिल जाएगी। आगे इसी तरह वॉल्यूम्स हैं, जो भी वॉल्यूम आप सीएफटी के अंदर अगर आपके पास 50 सीएफटी है और क्यूबिक मीटर में आपने कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। आप कंक्रीट की वैल्यू, सैंड, सीमेंट, जो भी आप इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं वो आप इधर से इसी तरीके से कर सकते हैं। नीचे अगर आप आते हैं इसमें यार्ड्स में भी हैं, क्यूबिक मीटर क्यूबिक फिट्स में है सारा कुछ है और नीचे इसके अंदर आप देख रहे हैं तो उसमें वाटर रेशियो भी है। सीएफटी टू लीटर अगर आपके पास 10 सीएफटी एरिया है आपके पास तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि आपके पास उधर कितना लीटर उसके अंदर वाटर आता है। तो इसी तरीके से गैलन है, यूएस गैलन की कैलकुलेशन इसके अंदर है। अगर आपके पास 50 सीएफटी जगह आएगी तो उसके अंदर आपके पास 374 गैलन्स आपके पास वाटर वगैरह या जो भी आप इसकी कैलकुलेशन, कोई टैंक बनाते हैं, कोई चीज़ बनाने हैं, उसकी कैलकुलेशन वगैरह आपने करनी है तो आपको इधर से बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगी। ये मीटर्स में भी, फिट में भी और यार्ड्स में भी, सब के अंदर ये चीज़ इसके अंदर सारी कैलकुलेशन हुई हुई है। इसी तरह वेट है आपके पास एल बी से लेकर के जी तक है, आपके पास एल बी के जी के हिसाब है, के जी से लेकर एल बी और इसी तरह के जी से लेकर टन और टन से लेकर के जी तक की पूरी कैलकुलेशन इसके अंदर हुई हुई है। बहुत यूज़फुल शीट है, आप इस शीट को डाउनलोड लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, जिसकी मदद से आप इसको डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आ सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इसकी पीडीएफ फाइल भी रख दूंगा जिसको आप मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं अपने डाउनलोड करके और इसका पूरी सिस्टम अपना जिधर से भी आपने चेक करना है इसको चेक कर सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी
मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा। अल्लाह हाफिज़।